फिलहाल इस वक्त में जहाँ कहीं ये मैच होते हैं तो वहीं दरमियान दरमियान में ऐड आते रहते हैं, और ऐड में अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें करोड़ों और लाखों कमाने का मौका। कई लोग जानते होंगे, मैं उन ऐप्स के या वेबसाइट्स के नाम नहीं ले रहा, ठीक, लेकिन जिसमें 11 और 11 इस तरीके का बना हुआ होता है, तो उसमें ये ऐड किए जाते हैं कि करोड़ों लाखों कमाने का मौका। तो साफ बात है और समझने वाली बात है कि भाई ये जुआ है, ये जुआ है, खेलना जायज़ नहीं है, कतान जायज़ नहीं है, हराम है। दूसरी चीज़ ये कि आप इसमें धोखा ना खाएं इस चीज़ से कि भाई इसको तो लीगल करार दिया गया है, गवर्नमेंट के ज़रिए से लीगल करार दिया गया है। तो लीगल होना अलग है और मज़हब इस्लाम में जायज़ या नाजायज़ होना ये अलग है। एक और चीज़ कि इन लोगों को पता है, ये जो ऐप्स बना रहे हैं या साइट्स क्रिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, इन लोगों को पता है कि भाई मुसलमान इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ता। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं जो बेचारे सूरत से थोड़े बहुत नज़र आते हों कि गरीब होंगे, उनके ज़रिए से ऐड कराते हैं। वो आकर के ऐड करता है कि मेरा नाम मिसाल के तौर पर अब्दुल है और मैं ये करता था, ऑटो चलाया करता था, मैंने एकदम 11 लाख रुपये जीत लिए, मैंने एकदम 15 लाख रुपये जीत लिए। ये जायज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी आपको दिखाए। एक और मेन और ख़ास चीज़ कि अगर इस तरह से आपने पैसा कमा लिया, वैसे तो इसमें इतना कमाते नहीं है, वही 150 रुपये लगाते हैं, 200 के चक्कर में, 1000 के चक्कर में वो भी लुटा बैठते हैं, ठीक, टीमें भी बना करके खूब लुट जाते हैं, जुआ ही। लेकिन अगर कमा लिया है आपने तो फिर उसके बाद ये जो पैसा आया हुआ है, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, या लाख हो, या करोड़ हो, ठीक है ना, कितने ही हो, इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि बेहतर ये है, बेहतर नहीं बल्कि हुक्म ही यही है, लाजिम और ज़रूरी है कि आप इस पैसे को गरीब और फकीरों में सदका कर दो बगैर सवाब की नीयत से। इसमें सवाब की भी नीयत नहीं कर सकते, बस ये नीयत हो आपकी कि या अल्लाह मैं गलत फंस गया हूँ और एक बोझ सा मेरे ऊपर आ गया है, मैं इस बोझ को हटाना चाह रहा हूँ और बस मैं गरीबों को दे रहा हूँ, तो दे दो। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक साहब का फ़ोन आया था, साहब हम खा नहीं रहे, पेट्रोल डलवा सकते हैं? नहीं, पेट्रोल डलवाना भी इस्तेमाल है, खाना भी इस्तेमाल है, नहीं कर सकते। सिर्फ गरीबों को देना, गरीबों को दें वो भी बगैर सवाब की नीयत से। परहेज करें इन चीज़ों से, ठीक है ना, मैंने बस अलामतें बताई हैं, नाम नहीं जिक्र किए। कई मरतबा होता है कि बेरोज़गारी का ज़माना है कि भाई कहीं काम धंधे भी नहीं मिल रहे, लगाने लग जाते हैं। और खुद हैरत की बात, खुद ये लोग भी आखिर में कहते हैं इस एड के बाद में कि इस खेल में वित्तीय जोखिम से बचना चाहिए, अपने जोखिम पर खेलें वगैरह वगैरह कहते हैं, तो नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा हैं।